हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। और अपडेट एक नहीं है, अपडेट दो है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में जिसको आप जानकर काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हैं कि इस मूवी से रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज आती हैं, अपडेट्स आती हैं, पर जब कंफर्मेशन आती है तो गाइस मजा ही आ जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में इस मूवी से रिलेटेड। तो पहला जो अपडेट है कि कल के दिन रिलीज हुए स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियली बैनर्स, जिसमें कि एक पोर्टल खोल के डॉक्टर और हमारा स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर बाहर निकल रहे हैं और देन विलन्स को साइड बाय साइड दिखाया गया है। तो ये दोनों ही बैनर ज्यादा कमाल के लग रही है, पर एक बैनर में लिखा हुआ इन सिनेमा 16 दिसंबर, तो ये बाहर यूएस की टाइमिंग है, पर इंडिया में मूवी 17 तारीख को ही रिलीज होगी। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज करा गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। पर इसमें एक सबसे ज्यादा हाईलाइट जो चीज थी वो थी ग्रीन गॉब्लिन। तो ग्रीन गॉब्लिन का अदर न्यू लुक रिवील्ड कर दिया गया है, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है और मुझे लगता है कि पर्सनली लोग उसे पसंद करने वाले हैं, और मूवी का मेन विलेन भी ग्रीन गॉब्लिन ही होने वाला है। अब फाइनली एक न्यू प्रोमो आया था जिसमें कि हमें टॉबी मैकपाई का मास्क दिखाया गया है। इसको जूम करके मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन चलिए बात करते हैं ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में आपको टोटल 30 मिनट की रनिंग टाइमिंग देखने को मिलेगी, वो भी किसकी, टॉबी और एंड्रू गारफील्ड की। जी हाँ, यह कंफर्म हो चुका है और आपको ये दोनों कैरेक्टर 30 मिनट तक देखने को मिलेंगे एंडिंग में। देन उसी के साथ इस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं, जो कि आपको सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन सिनेटर 6 से कंफर्म करेगा, कनेक्ट करेगा। जी हाँ, जो कि सोनी और मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और उसी के साथ न्यू अपडेट जो आया है बहुत ही कमाल का, कि टोनी स्टार्क का जो पहला यानी आर्क क्रिएटर था, वो ही आर्क क्रिएटर यूज करा है हमारे इलेक्ट्रो ने। तो पता नहीं ये कैसे होगा, पर मजा आने वाला है। देन उसी के साथ अगला ब्रेकिंग अपडेट है कि फाइनली योडा पे एक लाइव एक्शन सीरीज बन रही है स्टार वॉर्स की। तो सभी जानते हैं कि इसकी ओरिजिन स्टोरी कैसी होने वाली, तो सब इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उसी के साथ एंटमैन द वास्प की जो न्यूज थर्ड मूवी आ रही है, उसकी ऑफिशियली प्रोडक्शन रैप हो चुकी है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है, और देन डायरेक्टर ने ये खुद चीज कंफर्म करी कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो बस अब मूवी के VFX पे और CGI पे काम चलेगा। देन उसी के साथ अगला अपडेट है मिस मार्वल से रिलेटेड। तो फाइनली मिस मार्वल यानी कि हमारी कैप्टन मार्वल 2 की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है आज के दिन, आज मॉर्निंग के दिन। और देन कुछ सेट इमेज भी रिवील्ड हुई है, जिसमें कि क्लैप बोर्ड की भी एक सामने स्क्रीन आई है, और देन उसी के साथ लोगो भी रिवील्ड कर दिया है मार्वल स्टूडियो दिस मार्वल, ये ऑफिशियली फाइनल लोगो है मिस मार्वल्स का। और देन फाइनली थैंक यू का एक छोटा सा स्टीकर है, जिसमें कि तीन कैरेक्टर को दिखाया गया है, मोनिका, हमारी कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल, तो तीनों बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। देन उसी के साथ DC की सुपर पेट्स हिंदी तमिल तेलुगु में भी रिलीज होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी होने वाली है। अगर किसी ने ट्रेलर नहीं देखा तो जाके चेकआउट करके आओ। और एक ब्रेकिंग अपडेट, फाइनली जोरासिक वर्ल्ड का ऑफिशियली एक क्लिप लॉन्च करा गया था, और देन फोर्थ पार्ट भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है आज के मॉर्निंग के दिन। देन अगला हाईलाइट अपडेट कि आपको शायद हॉकाई सीरीज में किंग पिंग भी देखने को मिलेंगे, ऐसे रूमर्स हैं, और देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर हॉकाई सीरीज में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, और देन इस चैनल पे जो भी नए आए तो प्लीज या तो सब्सक्राइब बटन पे स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।